मित्रों, प्रेम एक ऐसा आनंद जो आपके जीवन को ही उत्सव बना देता है। प्रेम एक ऐसी श्रद्धा जो आपके स्वभाव को सरल बना देती है, और प्रेम एक ऐसा समर्पण है जो खुद को खोकर भी पा लेता है। जय श्री कृष्ण। मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे उनके बारे में जिनका नाम अंग्रेजी के ए लेटर से शुरू होता है। मित्रों, नाम के प्रथम अक्षर से व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, तो यहाँ पर हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये नाम वाले लोगों को फरवरी से लेकर अप्रैल तक के समय में प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों में क्या परिणाम मिलेंगे, और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप ए नाम वाले लोगों के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास अपनी जन्म कुंडली नहीं होती है, तो यहाँ पर जिनके पास अपनी जन्म कुंडली नहीं है और जिनको अपनी राशि भी नहीं पता है, तो वो अपने नाम के प्रथम अक्षर से इस राशिफल को देख व सुन सकते हैं। तो उनके लिए ये राशिफल लेकर हम आए हैं। तो अगर आपके नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के ये लेटर से शुरू होता है, तो आप जान सकते हैं कि फरवरी से लेकर अप्रैल तक के महीने में आपको प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध में क्या परिणाम मिलेंगे। मित्रों, पहले थोड़ा सा ए नाम वाले लोगों के बारे में जानेंगे कि ये लोग किस तरह के होते हैं, और उसके बाद राशिफल की चर्चा करेंगे। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि ए नाम वाले लोग किस तरह के होते हैं। ए नाम वाले बहुत ही आकर्षक लोग होते हैं, बहुत ही आत्मविश्वासी होते हैं। ये लोग हर बात में सबसे ऊपर रहना पसंद करते हैं और अपनी समस्याओं का हल खुद ही निकालना पसंद करते हैं। पराक्रमी और साहसी होते हैं, दृढ़ संकल्प वाले होते हैं और उच्च आचरण वाले होते हैं। परंतु अगर इनसे आपका झगड़ा या बहस हो गई, तो ये फिर अपनी बात पर अड़िग रहते हैं और जो भी काम हाथ में लेते हैं उसको जल्दी ही समाप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं। भावुक स्वभाव वाले लोग होते हैं, और इन पर अगर कोई कभी कोई उपकार कर दे तो ये उसका उपकार कभी नहीं भूलते। ये लोग दूसरे के कामों से ज़्यादा मतलब नहीं रखते, थोड़ा सा क्रोधी स्वभाव के होते हैं। अगर कोई भी समस्या जीवन में आती है तो उससे तुरंत बाहर निकलना चाहते हैं। समस्या का अगर समाधान नहीं मिले तो बहुत जल्दी बेचैन हो जाने वाले लोग होते हैं। काफ़ी जागरूक रहते हैं। अगर कोई सीखने को कुछ भी इन्हें किसी व्यक्ति से मिलता है तो ये उसको सीखने में देर नहीं लगाते, और ये लोग दूसरों को अपनी राय बताने में बहुत खुशी जाहिर करते हैं और ज़रूरत के मुताबिक अपने लिए माहौल तैयार कर लेते हैं, और हर कोई व्यक्ति इनकी बातों पर ध्यान भी देता है। अपनी चाहत को ये किसी भी कीमत पर हासिल करने का प्रयास करते हैं और हासिल करते हैं। बड़े खुददार प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जैसे को तैसा वाले स्वभाव पर यकीन करते हैं, खुद पर बहुत विश्वास रखते हैं। कभी भी ये लोग लाभ कमाने के लिए झूठ का सहारा नहीं लेते। इनका स्वभाव हमेशा एक जैसा रहता है, अपने दिल में कुछ भी छुपा कर नहीं रखते। जैसे होते हैं वैसे ही दिखते हैं। जीवन के कठिन दौर में भी ये अपने मूल स्वभाव में ही रहते हैं। जीवन के प्रति एक नई ऊर्जा और उत्साह वाले होते हैं, जो निडरता और अपने साहस के लिए जाना जाता है। अपना जीवन अपनी शर्तों पर जीने में विश्वास रखते हैं। इन्हें अपनी विचारधारा के साथ किसी तरह का कोई समझौता करना बिल्कुल पसंद नहीं होता है। अपने प्रेमी प्रेमिका को, अपने जीवन साथी को बहुत ही सक्रिय और आकर्षक देखना चाहते हैं। प्रेम में बहुत आश्वासन चाहिए होता है इनको, और जीवन साथी के साथ निजी संबंधों के मामले में काफ़ी आदर्शवादी होते हैं। इसके चलते इनके रिश्ते में कई बार संघर्ष देखने को मिलता है, और प्रेम के मामले में जो ये लोग होते हैं बहुत ही सफल होते हैं। इनका वैवाहिक जीवन भी सफल रहता है। काफ़ी ईमानदार होते हैं, जिससे प्रेम करते हैं उसका जीवन भर साथ निभाने का प्रयास करते रहते हैं। ही ऐसे लोग पाए जाते हैं जो धोखा देने वाले होते हैं, और अपने जीवन साथी के प्रति इनका प्रेम भी सच्चा होता है। तो कुछ इस तरह के होते हैं ए नाम वाले। चलिए अब राशिफल की चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए पहले हम प्रेम संबंधों की बात करते हैं। ए नाम वाले लोगों के लिए फरवरी से लेकर अप्रैल तक का समय प्रेम संबंधों के लिए अच्छा समय रहने वाला है। यहाँ पर प्रेम संबंधों में आपको अच्छे ही परिणाम मिलने वाले हैं। बस आपको थोड़ा सा अपनी बाड़ी पर संयम रखकर चलना होगा, क्योंकि आप में
क्रोध देखने को मिलेगा, यानी आपकी वाणी यानी आपका स्वभाव थोड़ा उग्र रहेगा। इसलिए जो है आप वाणी पर संयम अवश्य रखें और अपने साथी के साथ गलत फहमियों से बचकर रहें, इस बात का ध्यान रखें। बाकी ये तीन महीने ए नाम वालों के लिए रोमांच से भरे हुए महीने रहेंगे। प्रेम संबंधों में एक नयापन दिखेगा और आपके साथी के साथ संबंधों में मधुरता और विश्वास भी बढ़ेगा। और प्रेम संबंधों में आप ये तीन महीने अपने साथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे। इस समय पर आपकी मुलाकात भी होगी और साथी से बातचीत भी होगी। और अगर आपके प्रेम संबंध नए हैं या फिर पुराने हैं, आप देखेंगे यहाँ पर संबंधों में मधुरता आपकी बढ़ने वाली है, प्रेम संबंध काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। तो प्रेम संबंधों के लिए तीन महीने काफ़ी बेहतर हैं। और अगर आप किसी साथी की तलाश में हैं तो ये तलाश भी आपकी ये पूरी हो सकती है इन तीन महीनों में, क्योंकि ये तीनों महीने प्रेम संबंधों में अच्छे परिणाम दिखाएंगे। और अगर आप किसी से मित्रता करना चाहते हैं या फिर मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं या मुलाकात करना चाहते हैं, डेट पर जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको सफलता मिलने वाली है और आपकी साथी की तलाश पूरी होने वाली है, यानी आपकी मित्रता स्वीकार की जा सकती है। आपको गलत फहमियों से दूर रहकर, क्रोध से दूर रहकर अपने साथी को प्रस्ताव देना होगा। आपका प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता है और आपकी साथी की तलाश पूरी हो सकती है। ये तीन महीने प्रेम संबंधों में आपको अच्छे परिणाम दिखाएंगे। और अगर आपकी मित्रता किसी से चल रही है और आप उससे मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बढ़ाने के लिए हाथ बढ़ाते हैं तो वहाँ पर आपका प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता है। समय अच्छा है ए नाम वाले लोगों के लिए, ये तीन महीने अच्छे जाने वाले हैं प्रेम संबंधों में। और अगर मान लीजिए आपके प्रेम संबंधों में कोई वाद विवाद चल रहा है, यानी आपके पहले प्रेम संबंध थे लेकिन आजकल कोई वाद विवाद चल रहा है और आप उस वाद विवाद को समाप्त करना चाहते हैं, यानी कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बदलना चाहते हैं, अपने साथी के साथ दोबारा से संबंधों में आना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको धैर्य और संयम के साथ प्रयास करना होगा। तो आपकी बातचीत हो सकती है, आपका साथी दोबारा से संबंधों में आ सकता है। और इसके लिए 13 फरवरी से लेकर और 15 मार्च तक का समय सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको सफलता मिल सकती है। और 13 फरवरी से 15 मार्च तक का समय ऐसा रहेगा जब आप प्रयास करेंगे तो आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बदल सकती है, यानी आपके वाद विवाद समाप्त हो सकते हैं। और जिन बातों के चलते आपका वाद विवाद हुआ था, उन बातों को अगर आप स्पष्टता से सुलझाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके वाद विवाद समाप्त होते हुए नजर आएंगे। और यहाँ पर आपके साथी के साथ आप दोबारा से संबंधों में आ सकते हैं। और जो मैंने अभी सिंगल लोगों की बात की थी, उनके लिए भी अपने साथी को प्रस्ताव देने का जो समय है, अपने साथी के साथ मित्रता का हाथ बढ़ाने का समय है, तो इन तीन महीनों में सबसे अच्छा समय 13 फरवरी से 15 मार्च तक का है। वहां पर आपका प्रस्ताव जल्दी से जल्दी स्वीकार किया जा सकता है। यहां पर यह समय आपको अच्छे परिणाम दिखाएगा, लेकिन आप ध्यान रखें कि आप में अहम की भावना बढ़ी रहेगी, क्रोध और गलतफहमियां बढ़ी रहेंगी। इन चीज़ों का आप ध्यान रखकर चलें कि इन पर नियंत्रण रखेंगे तभी आपका प्रस्ताव स्वीकार किया जाएगा और तभी मित्र आपके संबंधों में आगे बढ़ेगा और मित्रता भी आपकी आगे बढ़ेगी। भाग्य का साथ भी इस समय पर आपको मिलेगा। और अगर आपका प्रेमी प्रेमिका आपसे काफ़ी दूर रहता है फिर भी आपकी मुलाकात इन तीन महीनों में बनती है और आपकी बातचीत तो होती ही रहेगी और मुलाकात भी हो सकती है और छोटी मोटी किसी यात्रा पर भी आप दोनों जा सकते हैं। प्रेम संबंधों के लिए तीनों महीने बेहतर परिणाम दिखाने वाले हैं। आपको अपने अहम पर, क्रोध पर और गलतफहमियों पर नियंत्रण रखकर चलना होगा, तभी आपको अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो वैवाहिक संबंधों के लिए इन तीन महीनों में आपके जीवन साथी के साथ छोटी मोटी बातों को बड़ा करने से बचें, इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें, क्योंकि गलतफहमियां यहां पर आपका पीछा नहीं छोड़ रही हैं और गलतफहमियों के चलते वाद विवाद हो सकता है, इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। और जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता बनाकर रखें और जीवन साथी के साथ किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी करने से बचें। जीवन साथी के घर वालों के बारे में यानी अपने ससुराल पक्ष के लोगों के बारे में किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी से करने से बचें, वरना यहाँ पर बहुत जल्दी आप देखेंगे वाद विवाद हो सकता है, इस बात का आपको ध्यान रखकर चलना होगा। इन तीन महीनों में अगर आप अपने जीवन साथी के साथ किसी यात्रा पर जाते हैं तो आपके संबंधों में मधुरता देखने को मिलेगी। और जीवन साथी के साथ किसी भी प्रकार का कोई वाद विवाद चल रहा है तो बहुत ही धैर्य और संयम के साथ प्रयास करेंगे, तभी वो वाद विवाद समाप्त हो सकता है। अगर कोई छोटे मोटे मनमुटाव चल रहे हैं तो वो स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे, लेकिन अगर कोई बड़ा वाद विवाद चल रहा है तो वो आसानी से समाप्त नहीं होगा, उसके लिए आपको ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत होगी और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, अपने अहम पर नियंत्रण रखना होगा, तभी आपको सफलता मिल पाएगी। लेकिन इन तीन महीनों में 14 अप्रैल से जो समय होगा
आपका 14 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का समय और एक 13 फरवरी से 15 मार्च तक का समय, ये दो समय ऐसे होंगे जब आप अपने जीवन साथी के साथ अगर कोई समस्या हल करना चाहते हैं तो आप प्रयास करें, आपको सफलता मिल सकती है। लेकिन आपको अपने अहम से बचकर रहना होगा, इस बात का ध्यान रखकर आपको चलने की बहुत ही आवश्यकता होगी। और जीवन साथी के साथ संबंधों में अगर कोई भी बातचीत होती है तो आप जीवन साथी की बातों को सुने और छोटी मोटी बातों को बड़ा करने से बचें, तभी आपके वैवाहिक संबंध अच्छे रहने वाले हैं। वरना वैवाहिक संबंधों में आपके बार बार गलत फहमियाँ देखने को मिलेंगी और आपके क्रोध के चलते वाद विवाद भी देखने को मिल सकते हैं, तो वैवाहिक संबंधों में थोड़ा सा संघर्ष देखने को मिल सकता है। इसलिए ए नाम वाले लोगों के लिए ये तीन महीने ऐसे होंगे जब आपको अपने जीवन साथी के साथ थोड़ा सा संयमित होकर चलने की जरूरत होगी। और अगर आपने उनकी बातों को नहीं सुना और वाद विवाद को बढ़ाया तो फिर वाद विवाद ज़्यादा बढ़ सकता है, इस बात का ध्यान रखकर आप चलें। तो प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों में कुछ इस तरह के परिणाम मिल सकते हैं ए नाम वाले लोगों को इन तीन महीनों में। चलिए उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय की बात करें तो ए नाम वाले लोगों के लिए सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप रोजाना सूर्य भगवान को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें, और रोजाना ना कर सकें तो रविवार को अवश्य करें, और रविवार को ही श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी करें, और अगर नहीं कर सकते हैं तो सुनें, तो इससे आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। तो ये उपाय आप कर लें। और मंगलवार वाले दिन आप बंदरों को गुड़ और चना खिला सकते हैं, उससे भी आपको लाभ देखने को मिलेगा। तो ये उपाय आप कर लें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे ए नाम वाले लोगों के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरे श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।